exercise number 5.1 question number 4 part 4 3x plus 2y greater than or equal to 6 x plus 3y less than or equal to 6 y greater than or equal to 0 the associated equations are 3x plus 2y equals to 6 which is equation number 1 x plus 3y equals to 6 which is equation number 2 एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे वाई इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन थ्री एक्स प्लस टू वाई की जगह पे आ जाएगा जीरो टू सिक्स जहाँ से आएगा थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स एंड एक्स इक्ल थ्री विच इज इक्वल टू टू पॉइंट इज टू कॉमा ज़ीरो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन थ्री एक्स की जगह पे आ जाएगा हमारे पास जीरो प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स जहाँ से आएगा वाई इक्वल टू सिक्स बाई टू विच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट इज जीरो कॉमा थ्री अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे इक्वेशन टू के लिए तो पुट वाई इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई की जगह पे आ जाएगा जीरो विच इज इक्वल टू सिक्स एक्स इक्वल आ जाएगा सिक्स के तो पॉइंट इज सिक्स कॉमा ज़ीरो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू एक्स यहाँ पर जीरो आएगा जीरो प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स y इक्वल सिक्स बाई थ्री जहाँ से y इक्वल आ जाएगा टू के तो पॉइंट इज जीरो टू अब हम निकालेंगे टेस्ट पॉइंट तो पुट जीरो कॉमा जीरो इन थ्री एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन सिक्स एक्स और वाई की जगह पे जीरो जीरो आ जाएगा थ्री ब्रैकेट में जीरो प्लस टू वाई की जगह पे जीरो ग्रेटर दैन सिक्स जहाँ से आएगा जीरो ग्रेटर दैन सिक्स विच इज़ फॉल्स क्योंकि जीरो सिक्स से तो कभी भी बड़ा नहीं होता तो ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी थ्री एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू सिक्स विल नॉट बी टूवर्ड्स दी ओरिजन साइड नो पुट जीरो कॉमा जीरो इन एक्स प्लस थ्री वाई लेस दैन सिक्स तो जीरो प्लस थ्री वाई की जगह पर जीरो जहाँ से आएगा जीरो विच इज़ ट्रू क्योंकि जीरो सिक्स से छोटा ही होता है तो ग्राफ ऑफ एन इनक्वलिटी एक्स प्लस थ्री वाई लेस दैन इक्स विल्स दी ओरिजन साइड अब इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करें अब जो हमारे पास पॉइंट आए हैं उन पॉइंट को यहाँ पर रखें पॉइंट को लाइन के जरिए जॉइन करेंगे एक लाइन बनेगी लाइन वन दूसरी लाइन बनेगी लाइन टू लाइन वन वन का आंसर फॉल्स आया था तो उसको हम ओरिजिन से दूसरी आउटसाइड साइड ओरिजिन शेड करेंगे और लाइन टू का आंसर हमारे पास आया था ट्रू उसको इनसाइड साइड ओरिजिन शेड करेंगे तो ये हमारे पास कॉमन रीजन बनेगा अब जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना हमारे पास वो हमारे पास कॉमन रीजन से ही निकलते हैं तो एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बनेगा टू कॉमा ज़ीरो एक बनेगा सिक्स कॉमा जीरो और तीसरा कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हम लाइन वन और लाइन टू के इंटरसेक्शन में आना तीसरा कॉर्नर पॉइंट तो हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ बॉथ सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई थ्री करके माइनस करें वी गेट इक्वेशन वन लिखें थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू सिक्स अब इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो थ्री एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू एटीन साइन चेंज करेंगे तो माइनस सेवन वाई इक्वल आ देगा माइनस ट्वेल्व के दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई सेवन अब वाई की वैल्यू आ गई है पुट वाईक्स टू ट्वेल्व बाई सेवन इन इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई की जगह पे आएगा ट्वेल्व बाई सेवन इक्ल्स टू सिक्स एक्स प्लस थर्टी सिक्स बाई सेवन इक्व टू सिक्स एक्स इक्वल आ जाएगा सिक्स माइनस थर्टी सिक्स बाई सेवन के तो एक्स इक्ल टू एल्स ही लेंगे फोर्टी टू माइनस थर्टी सिक्स डिवाइड में सेवन इक्स टू सिक्स बाई सेवन पॉइंट बनेगा सिक्स बाई सेवन कॉमर ट्वेल्व बाई सेवन क्योंकि एक्स की वैल्यू आई ना सिक्स बाई सेवन और वाई की ट्वेल्व 7. सेवन सो दॉर्नर पॉइंट्स आर टू 6.0 जीरो सिक्स ये जो हमारे पास है ना ये जिस जिस पॉइंट पे है, उन पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट कह देंगे 6 by 7, 12 by 7. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त 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 तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल